बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.10 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला की हेल्प से हमें ये सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो सिंपली हम इसको, ये दो ब्रैकेट हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वाई को पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 1/y को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसे फार्मूला यूज़ करते हुए करेंगे। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y प्लस 1/y और दूसरे ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/y स्क्वायर। यहाँ पे ये 1+1 ज़्यादा लिखा गया है, ये नहीं है। ये इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसे देखेंगे, y प्लस 1/y और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है y का स्क्वायर है, फिर माइनस की साइन है और फिर a है। a हमारे पास क्या है, y, और b की वैल्यू है हमारे पास 1/y। तो a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर 1+1/y है, ये मल्टीप्लाई होंगे। माइनस की साइन आएगी फार्मूला से और y मल्टीप्लाई होगा 1/y के साथ। फिर प्लस b का स्क्वायर है तो 1/y का स्क्वायर हो जाएगा। y प्लस 1/y और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा y स्क्वायर। अब ये y y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 1 प्लस 1/y का स्क्वायर। इसी फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, y का क्यूब प्लस 1/y का क्यूब और ये इक्वल होगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब के। ये है हमारे पास इसका आंसर। 4.10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये इक्वल होगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। माइनस वाले फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा और अंदर प्लस होगा। प्लस वाले फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे माइनस का ए भी आ रहा था तो ये ख्याल रखिएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ही आएगा। अब हम क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई। ये इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसे लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एज इट इज ही रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। पहले यहाँ पर हमारे पास ए अंडर रूट एक्स है और बी अंडर रूट वाई है तो हमारे पास आ रहा है ए का स्क्वायर, तो हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे। फिर प्लस फार्मूले का है, उसके बाद अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई मल्टीप्लाई होंगे। अंडर रूट एक्स एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अंडर रूट वाई दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा और प्लस है फिर अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं,
अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई एज इट इज़ ही आएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो इसमें देखें स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट वाई के साथ, तो हम इसे एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं एक्स वाई, फिर प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा वन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्यूब सॉरी माइनस अंडर रूट वाई का क्यूब, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्यूब का मतलब है थ्री टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, अंडर रूट वाई का क्यूब है तो y भी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर टू के अंदर भी, जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो और दो का पेयर बन रहा हो तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर एक x रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी इसी तरह से ही होगा, y पेयर बनेगा तो एक y बाहर आ जाएगा और एक y अंदर रह जाएगा, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रूफ बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज करते हुए हम इसे प्रूफ करेंगे, सॉल्व करते हैं, पहले से अरेंज कर लेते हैं। इसमें देखें अगर हम इस तरह से लिखें ए प्लस टू, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए प्लस टू में हमारे पास सेंटर वाला जो टर्म है वो माइनस की होती है, तो ये हम ये वाली टर्म इसके साथ लिखेंगे टू ए प्लस फोर, और यहाँ पे a माइनस टू और इसके साथ ये वाली टर्म लिखेंगे a स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो हम एक साइड ले रहे हैं दूसरे साइड को छोड़ना है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही फार्मूले हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, प्लस का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a का क्यूब्ड प्लस b का क्यूब। दूसरा फार्मूला है हमारे पास माइनस का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड। अब प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और माइनस वाला यहाँ पर, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस टू, यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो हम इसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का a मल्टीप्लाई बाय टू प्लस टू का स्क्वायर, और यहाँ पे अब दूसरा फार्मूला हमारे पास आएगा a माइनस टू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के साइन, फिर ए मल्टीप्लाई होगा टू के साथ और प्लस टू का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं ए का क्यूब्ड प्लस टू का क्यूब्ड, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ए का क्यूब्ड माइनस टू का क्यूब्ड, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब प्लस टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा एट, और यहाँ पर a का क्यूब और टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी एट है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी
ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा ए का क्यूब्ड और इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह पे हमारे पास मौजूद है माइनस के साइन फॉर्मूले से, और फिर एट का स्क्वायर। जैसे ओपन करेंगे तो एट की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 3 6 माइनस, और 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। हमारे पास यहाँ पर भी इसके इक्वल हमें देखना था 8 रेज पावर 6 माइनस 64, हमारा आंसर सेम आ रहा है। और में भी हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसका रिजल्ट देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। 3x प्लस 2y, अब इसके साथ हम इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास प्लस के साथ आ रही है तो उसके साथ ये ब्रैकेट आएगी, फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। -6xy प्लस 4y2। दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास 3x माइनस 2y, और इसके साथ हम रखेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस 4y2। अब यहाँ पे इस पूरी पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्लस वाला और इस पर माइनस वाला। फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ए प्लस बी हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। इसी तरह से ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो ये इक्वल होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर है, मीन्स हमारे पास 3x का स्क्वायर होगा। प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, माइनस ए बी है, a हमारे पास है 3x और b की वैल्यू है 2y। फिर हमारे पास आएगा प्लस 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास 3x माइनस 2y, और इसके साथ आएगा 3x का पहले स्क्वायर, फिर माइनस प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। 3x मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ, और फिर प्लस 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास, ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं इनको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख सकते हैं 3x होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। अब ये क्यूब्ड है, यहाँ पर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27x क्यूब्ड प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y क्यूब्ड, और यहाँ पर इसी तरह से 27x क्यूब्ड माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8y क्यूब्ड। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हों, सिर्फ साइन डिफरेंट हो, तो फिर हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला आ जाएगा 27x क्यूब्ड इसका स्क्वायर माइनस 8y क्यूब्ड इसका स्क्वायर। इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 729, और x क्यूब
माइनस एज इट इज़ 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 y क्यूब मीन्स y मल्टीप्लाई होगा तो y रेज पावर 6 और यहाँ पर भी x रेज पावर 6 729 x रेज पावर 6 माइनस 64 y रेज पावर 6 पावर्स इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, ये प्रूव हो गया।